तो डिडक्शन चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है हर क्वेश्चन uh, में जो अलग अलग मल्टीपल हेड uh, से रिलेटेड होगा कई बार ये होता है कि आप टोटल इनकम निकालिए दो तीन हाउस uh, प्रॉपर्टी भी है सैलरी का भी uh, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है कैपिटल गेन भी है तो डिडक्शन हर जगह यूज हो जाती है अगर मान लिया कोई एक सिंपल एक हेड का भी क्वेश्चन है हाउस प्रॉपर्टी पीजीपीपी कैपिटल गेन और उसमें बोला कि आप बताइए टैक्स पेबल कितना है या टोटल टैक्सेबल इनकम कितना है तो भी आपको डिडक्शन निकालना ही पड़ता है तो लगभग ये मानकर चलिए कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है लेकिन स्टूडेंट इसे कम पढ़ते हैं पांचों हेड पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं स्टूडेंट क्लबिंग सेट ऑफ इन पर कम ध्यान देते हैं तो आपको पूरा अच्छे से ध्यान देना है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए देखिए डिडक्शन जो मिलती है आपको ग्रोस टोटल इनकम से मिलती है और ग्रोस टोटल इनकम का मतलब होता है पांच हेड की इनकम को ऐड किया जाए और अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम तो ऑप्शनल टैक्स रिजाइम या रिजीम में क्या है कि आपको 115 फिफ्टीन बी एसी से बाहर जाना पड़ेगा और पुराना वाला चूज करना पड़ेगा तभी आपको डिडक्शन मिलने वाली है ना तो जो नॉर्मल प्रोविजन अब एक्ट का बाय डिफॉल्ट है उसमें आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलती तो आपको बाहर निकल करके जाना पड़ेगा अगर आप डिडक्शन लेना चाहते ये डिडक्शन चैप्टर सिक्स ए की डिडक्शंस कहलाती है डिडक्शंस कुछ पेमेंट करने पर आपको मिलती हैं कि आप पेमेंट करिए और आपको डिडक्शन मिलेगी एटीसी सी में एटी ट्रिपल सी डबल सी डी डबल सी एच डी डी डबल डी डबल डी बी ई डबल ई डबल ई ए डबल ई बी जी 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 डबल जी ए डबल जी बी और डबल जी सी ये कुछ स्पेसिफिक पेमेंट करने पर आपको डिडक्शंस मिलती हैं डिडक्शन है बेस्ड ऑन सर्टेन इनकम आपकी अगर कुछ इनकम हुई है तो आपको डिडक्शन मिलेंगी डबल जे ए डबल आर बी और क्यू क्यू बी कुछ इनकम से रिलेटेड जैसे इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको डिडक्शन मिलेगी डबल टीबी और एटीयू डिडक्शंस में आ जाती है एस एस सी तो उसको डिडक्शन मिलती है. इसके अलावा एक डिडक्शन टेन डबल ए में भी मिलती है तो ये आप सोचिए कि जो हमने देखी यही चैप्टर है के के अंदर यही के है, ऐसा नहीं है और भी बहुत सारी डिडक्शन होती हैं, लेकिन हमारे लिए इंटरमीडिएट लेवल पर जो जरूरी है वही वही हम पढ़ रहे हैं इसके अलावा ए टी आई ए आई बी आई सी बहुत सारी होती है वो हमारे लेवल से बाहर है ठीक है ओनली डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी डबल सी डी टू एंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम एटी डबल सी एच सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस एस सी अकाउंट इन अग्निवीर एटी डबलजे डबल ए हमारी अलाउड है तो हमें वन फिफ्टीन जो डिफॉल्ट हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें तीन डिडक्शन अलाउड 80 डबल सी डी टू एटी डबल सी एच टू एंड एटी डबल जे डबल ए तो ये तीन डिडक्शन नए हमारे डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में भी अलाउड होगा हमें अदरवाइज बाकी और कोई इंट्रोडक्शन आपको मिलने वाली नहीं तो एक-एक करके इस पर तसल्ली से डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये क्या है, कैसे मिलेंगी तो वेरियस आइटम ऑफ इनकम डिफर इन डिफरेंट क्लोजेस ऑफ सेक्शन टेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ दर एड एंड अलाउंस सैलरी के चैप्टर में तो हमने पढ़ा था आउट ऑफ द फॉलोइंग थ्री मिनिमम विल बी एग्जाम हम लोग समय समय पर एग्जाम देते हुए आए पर में हमने रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ग्रेचुटी पेंशन कुछ फ्री 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 करते रहे टेन टेन वन टेन टेन टू तो वो हम एग्जाम्शन का चैप्टर जगह जगह यूज में करते हुए आए हैं सेक्शन टेन का मतलब एग्जाम्शन ही है

हाउ एवर देर आर सर्टेन इनकम रिफर टू से तो वहां पर भी सेक्शन टेन में भी कुछ हमें डिडेक्शन नहीं एग्जन नहीं मिल पाती अगर हम डिफोल्ट टैक्स रिजीम में जाते हैं जैसे लीव ट्रेबल कंसेशन नहीं मिलेगा एच आर ए हमें नहीं मिलेगा स्पेशल अलाउंसेस नहीं मिलेगा एक्सेप्ट मतलब ये मिल जाएगा ट्रेवलिंग अलाउंस डेले अलाउंस कन्वेंस अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ब्लाइंड हैंडीकेप एम्प्लॉय ये मिल जाएगा डेली अलाउंसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन अलाउंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं मिलेगा तो यहाँ लिखा है कि हाउ दीज आर सर्टेन आइटम ऑफ इनकम डिफर टू सेक्शन टेन विच आर नॉट एग्जेड अगर ये इफ कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स क्योंकि अब डिफॉल्ट टैक्स को इन्होंने नाम दिया है कि हम कंसेशनल रेट लगा रहे हैं क्योंकि टैक्स रेट काफी कम लगा रहे तो ये नहीं मिलेगा इन ऑफ ऑफ इनकम माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम तो हमने पढ़ा था टेन थर्टी टू में पंद्रह सो रुपए पर चाइल्ड मिल जाता है एग्जाम्शन मिल जाता है वो भी नहीं मिलेगा अब एक्जन का मतलब क्या होता है एग्जेपन का मतलब होता है कि ये इनकम में एड ही नहीं होगा और डिडक्शन का मतलब होता है है, है, कि कोई income में चीज हो चुकी हम उसे minus करें, deduct करें। ये डिडक्शन चैप्टर वाइज भी थी सैलरी में अंडर सेक्शन सिक्सटीन में थी हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन ट्वेंटी में थी तो वहां पर भी डिडक्शन थी और ये डिडक्शन ग्रोस टोटल इनकम में से पांचों एड को मिलाने के बाद में डिडक्शन so deduction in respect to chapter 6a and section 10aa refers to the amount that is reduced from gross total income to arrive at the total income there are income which are included in gti but are wholly or partly allowed as deduction under chapter 6a if the assessee has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115bac 1a In-page tax as per the optional tax regime अंदर the normal version तो deduction कम मिलेगा जब वो opt out करेगा by default tax regime से तो तभी उसको कुछ deduction इस chapter की मिल पाएंगे. Deduction is allowed on specific investment or expenses incurred by the taxpayer to promote the culture of saving and investment. देखिए मेरा personally मानना ये है कि अब जो कर रही है government 115 BAC बहुत गलत है रीजन पहले क्या बोला जाता था आपको छूट मिलेगी आप ये इन्वेस्ट करो ये इन्वेस्ट करो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी इंसान टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करता था अब ये कह रहे हैं आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको हम छूट वैसे दे रहे हैं लेकिन अब उस कल्चर की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे तो फ्यूचर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा

तो आपकी ग्रोथ टोटल इनकम जितनी है उससे ज्यादा डिडक्शन तो आपको मिल ही नहीं सकती है ना द टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी होगी या कभी भी नेगेटिव नहीं होगी आप ये नहीं कह सकते कि 50 लाख रुपए की इनकम है मैंने साठ लाख की डिडक्शन माइनस टेन लाख ऐसा कभी नहीं हो जो लॉस होता है ना वो लॉस हेड के अंदर होता है सैलरी के हेड में तो लॉस होता नहीं कभी हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो जाता है पीजीपीपी में हो जाता है कैपिटल गेन में हो जाता है अदर सोर्सेज में भी लॉस जनरली नहीं होता तो जो लॉसेस है वो हेड के अंदर होते ऐसा लॉस तो होता ही नहीं ना पांचों हेड को मिलाया तो अगर वो लॉस सेट ऑफ नहीं हो रहा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो इस साल का लॉस नेगेटिव पूरी टोटल इनकम नेगेटिव कभी नहीं होगी ग्रोस टोटल इनकम या तो नील होगी या पॉजिटिव होगी अगर वो पॉजिटिव है तो डिडक्शन भी जो मिलेगी वो इनकम से ज्यादा नहीं मिलेगी तो या तो नील आंसर आएगा या पॉजिटिव आएगा नेगेटिव कभी नहीं आएगा

नी प्रजन एक्ट ये कह रहे हैं कि अगर टेन ए ए या चैप्टर सिक्स ए का हेडिंग सी के अंदर की जो डिडेक्शन है अगर आपको मिल रही है तो वैसी डिडेक्शन और कहीं नहीं मिलेगी ये तो हमेशा याद रखिए। अगर आपने कोई एक पेमेंट करी है उसकी दो जगह बोल रखा है डिडक्शन मिलेगी एटी जी में भी बोल रखा है एटी डबल जी कई ऐसे दो सेक्शन में बोल रखा है तो एक पेमेंट पे दो जगह डिडेक्शन आपको कभी नहीं मिलेगी

रिलेशन टू सच स्पेसिफाइडने सेम और कुछ इनकम वो ही बात बता रखे कि कुछ income है, अगर आप deduction, ये जो सेक्शन थर्टी फाइव एडी में लेते हो स्पेसिफाइड वहां डिडक्शन ले रहे हो तो उसकी डिडक्शन डिडक्शन के चैप्टर में नहीं मिलेगी दोबारा अगर आप डिडक्शन के चैप्टर में ले रहे हो डिडक्शन तो वहां नहीं मिलेगी

वो इनकम कॉमन है जो थर्टी फाइव एडी वाली थी वहां ले लिया तो यहाँ मिलेगा ना दोन अवेलेबल दोनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है थर्टी फाइव एडी भी आ, 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 एक्जिट करने पे मिलती है और सिक्स ए की डिडक्शन भी एग्जिट करने पे मिलती है दोनों ही एग्जिट करने पे मिलती है सेक्शन एट्टी ए बी डिडक्शन स्पेसिफाइड इन चैप्टर the provision अलाउड ओनली टू Act. ये कह रखा है कि आपको डिडक्शन जो मिलेंगी chapters, uh, heading सी के अंदर वो उतनी मिलेंगी जितनी इनकम आपने जुड़ी है उससे ज्यादा नहीं मिलेगी वही बात पहले भी हमारी आ चुकी है सेक्शन 80 ए सी

तो यहाँ सारी नहीं है जो हमने देखा ए टी आई ए तो हम पढ़ ही नहीं रहे आई ए भी नहीं पढ़ रहे आई सी भी नहीं पढ़ रहे आई बी भी नहीं आई बी ए भी नहीं आईसी ये तो पढ़ ही नहीं रहे है ना ये हम चाहे तो पढ़ सकते हैं डबल जे ए डबल जे ए एल एम ए, 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 मतलब ये ज्यादातर हम पढ़ नहीं रहे है ना क्यू क्यू बी आर आर बी पढ़ रहे हैं ज्यादातर हम ही नहीं रहे तो इनके बारे में ही सारी बातें लिखी है कि आपको ये नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी ऐसा ये सब फाइनल लेवल की ज्यादातर बातचीत है तो अगर आपने आई टी आर फाइल नहीं करी ड्यू डेट से पहले तो आपको ये डिडक्शन भी नहीं मिलेंगे सेक्शन एटी ए सी आपको बताता कंपल्सरी फाइलिंग और रिटर्न ऑन ऑफ बिफोर ड्यू डेट एज ए प्री कंडीशन टू अविलिंग दिस डिडक्शन तो आपको अगर ये डिडक्शन लेना है तो आपको आई टी आर फाइल करनी पड़ेगी

है क्या बेसिकली कि कि यहां लिखा है कि अगर हम कुछ नए एम्प्लॉज रखते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाती है अमाउंट का जो एक्स्ट्रा हम सैलरी दे रहे हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो तो यहां लिखा है कि अगर कॉर्पोरेट एस एस तो उन्हें ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ेगी तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन विद इन द ड्यू डेट इज नॉट रिक्वायर्ड तो ये बात सही नहीं है क्योंकि हमें साफ साफ लिखा है कि अगर हम ये डिडेक्शन लेना चाहते हैं सिक्स ए हेडिंग सी की डिरेक्शन तो हमें आई डी आर फाइल करनी पड़ेगी वहाँ ड्यू डेट से पहले तो ये तो गलत बात है यार ऑडिट है या नहीं यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें प्री कंडीशन है कि आपको बेनिफिट लेना है तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी एम की डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आपने लेट रिटर्न फाइल करी है तो सही बात देखिए आपको बिल्कुल मिलेगा नहीं तो सही बात है एस पर सेफोर दूडेट टू क्लेम द डिडक्शन है ना तो ये बात सही देखिए तो हमारा चैप्टर सिक्स ए कहता है डिडक्शन से लेके यू तक ठीक है और इसके अंदर हमारा ग्रोस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलती है है ना लेकिन ये डिडक्शन नॉर्मल इनकम से ही आपको मिलती है तो इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कैसे सेक्शन 112 में से डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उसके ऊपर 20 परसेंट का टैक्स रेट होता है तो इन्होंने कहा हम पहले आपको बेनिफिट दे रहे हैं क्या 20 परसेंट के अलावा इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया ना आपको कि आप इंडेक्सेशन निकालिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट पहला दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिला टैक्स रेट कम लगा दिया अब हम आपको कितना इसमें से डिडक्शन नहीं देंगे और कैजुअल इनकम में से भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। ठीक है एस पर ट्रिपल वन ए डिडक्शन आर नॉट अलाउड फ्रॉम शॉर्ट टर्म ऑफ शेयर यहां पर टैक्स रेट पंद्रह परसेंट है तो आपको बेनिफिट मिल गया एस पर वन वन टू ए डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी एक लाख तक एग्जाम है टेन परसेंट है तो बहुत बेनिफिट पहले दे दिया आपको एग्जांपल नंबर टू। मिस्टर एक्स हैज इनकम अंडर दैट सैलरी 75000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 210 एंड कैजुअल इनकम 735 तो कितनी मैक्सिमम डिडक्शन इसको मिल सकती है तो डिडक्शन मिल सकती है इसको सैलरी में से है ना और लाल बत्ती लगाते हम किस पर इन दोनों पर कैजुअल इनकम पर भी डिडक्शन नहीं मिलेगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी डिडक्शन नहीं मिलेगी तो मैक्सिमम डिडक्शन जो सिग्नल है सेक्शन एटी बी आपको बताता है ग्रोस टोटल इनकम क्या है तो ग्रोस टोटल इनकम का मतलब है कि सारे हेड की इनकम निकालो और चैप्टर सिक्स ए की डिडक्शन मत दो उसे हम ग्रोस टोटल इनकम बोलते हैं ठीक है हम ऑलरेडी जो अलग अलग चैप्टर की डिडक्शन है वो हम दे चुके हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना और इसके अलावा क्लबिंग हो चुकी है ठीक है इसके अलावा सेट ऑफ हो चुका है और अनएजो डेप्रीशिएशन लॉसेस सब सेट ऑफ हो चुका है उन सब के बाद जो आता है उसे हम ग्रोस टोटल इनकम बोलते हैं ठीक है ग्रोस टोटल इनकम में से हम दो टाइप की डिडक्शन देंगे चैप्टर सिक्स ए की और टेन डबल ए की तो एग्जांपल नंबर थ्री कंप्यूटेशन ऑफ तो टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर ऑफ द मिस्टर एक्स उट ऑफ दिजी मिलेगी डिशन तो इनकी सैलरी की इनकमी की इनकम है एग्रीकल्चर इनकम तो एक्समट हो जाती है तो इनकी टोटल इनकम तो वन एटी है डिडक्शन टू लैख मिल नहीं सकती मैक्सिम कितनी मिलेगी वन एटी इसमें कोई डाउट चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर वन कंप्यूट टोटल इनकम हमें अलग अलग इनकम दी हुई है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम मिस्टर एक्स ऑप्शन तो सबसे पहले तो हम ग्रोस टोटल इनकम निकालते सैलरी में इनकी इनकम कितनी है देखो हमसे हम हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटेशन Of total income of Mr X assessment year 2024-25 salary income कितनी है इनकी 120 तो income from the salary 120 अगर लिखा होता सैलरी टेन थाउजेंड पर मंथ तो हम इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेस करते ठीक है हाउस प्रॉपर्टी सिक्सटी थाउजेंड पीजीपी भी है नहीं ठीक है कैपिटल गेन तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन एन लाइक टेन थाउजेंड थ्री लाइफ थर्टी थाउजेंड और अदर सोर्सेस कार्ड गेम्स नाइन्टी थाउजेंड तो ग्रोस टोटल इनकम कितना आया जिस हम जी बोलते हैं सिक्स लैख लेस डिडक्शन अंडरसेक्शन एटी 80c टू एटी तो ये दो लाख रुपए है है ना लेकिन हमें किस किस पे डिडक्शन मिलेगी तो डिडक्शन है टू लैक सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ सैलरी इनकम में डिडक्शन देने में कोई दिक्कत नहीं है हमें yes, और हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन देने में कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलेगी डिडक्शन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A से नहीं मिलेगी कैजुअल इनकम से नहीं मिलेगी तो हमें एक लाख अस्सी हजार रुपए की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी तो एक लाख अस्सी हजार फुल है 20000 इस हम टोटल इनकम बोल देते तो टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम ही पूछा है हमसे तो वो हमने निकाल लिया और ये तभी है जब वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाए क्योंकि वरना डायरेक्शन 80 सी से टी यू मिलेंगे नहीं अब हम बात करते हैं सेक्शन 80 सी की जो कि बहुत ही बड़ा सेक्शन है और इतना बड़ा सेक्शन है कि एक क्लास हमारी पूरी इस पर लग सकती है तो ए एटीसी सी अगर हम देखें तो भैया ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है और कोई क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है जिसमें ए सी ना हो तो ये तो आता ही आता है तो ए सी डिडक्शन मिलता है आपको कुछ सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने पर तो ये डिडक्शन केवल इंडिविजुअल को अलाउ होती है या याच को और वो भी तब जब आप डिफॉल्ट टैक्स से बाहर जाते डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलेगी चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो डिडक्शन एचओएफ को मिलेगी चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है डिडक्शन मिलेगी कुछ सेविंग करने पर इन्वेस्टमेंट करने पर उन सारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो भी टैक्सेबल इनकम में से होनी चाहिए और आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है एलिजिबल इन्वेस्टमेंट या पचा, एक पचास एक लाख पचास हजार जो भी कम हो इसका मतलब अगर आप पांच लाख का इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको पांच लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी डिडक्शन केवल एक पचास की मिलेगी देखिए जो टैक्स डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसके अंदर आपके शुरू के तीन लाख फ्री है बाद के तीन लाख पे भी पांच परसेंट मतलब कम रेट है। मेरा मानना यह है कि उसको वैसा करने की बजाय इस डिफॉल्ट में ये करना चाहिए था डेढ़ लाख को बढ़ाकर पांच लाख कर देते कि आप इन्वेस्टमेंट करो पांच लाख की आपको पांच लाख की छूट मिलेगी इसमें बेसिकली क्या है म्यूचुअल फंड्स है एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है तो इससे काफी कम या कुछ और ऐसा सेक्शन इंट्रोड्यूस कर देते जो गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पर पैसा आए तो लोग पैसा आपको देते इन्वेस्टमेंट करना सेविंग करना बहुत जरूरी है और ये नए टैक्स डीजी में इन्वेस्टमेंट और सेविंग को एक तरीके से कहने की मत करो अब एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है बहुत ज्यादा है बहुत लंबी लिस्ट है तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है आप उसे खरीदिए उसका और आपको डिडक्शन मिल जाएगी ठीक है जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर वो इनकम माना जाएगा और अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा है ना लेकिन वो एक्चुअल में वो मिलता नहीं है वो री इन्वेस्ट हो जाता है तो उस पर डिडक्शन मिल जाएगी ठीक है एटीसी में ही डिडक्शन मिल जाएगी लेकिन पहले पांच साल तक अब आपको ये करना है कि आपने क्वेश्चन में लिखा नेशनल एनएससी लिखा आता है कहीं आप उससे कंफ्यूज ना हो जाए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी बोलते हैं अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एनएससी में चालीस हजार की इन्वेस्टमेंट है तो डिडक्शन दे दीजिए में लिखा है इस पे इंटरेस्ट मिला दो हजार रुपए तो अदर सोर्सेज में लिखी है, लेकिन दो हजार रुपए की डिडक्शन भी एटीसी में दे दीजिए डिपोजिट इन पोस्ट ऑफिस स्कीम आप पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा करके ए टी सी की डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं डिपोजिट इन टेन ईयर अकाउंट और फिफ्टीन ईयर अकाउंट अंडर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक कुमुलेटिव टाइम डिपोजिट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी तो वहाँ दस और पंद्रह साल का स्पेशल अकाउंट है वहां पर आप बोलिए पोस्ट ऑफिस जाइए कहिए हमें इनकम टैक्स में छूट लेनी है दस साल पंद्रह साल वाला अकाउंट खुलवाना है आप उसमें अकाउंट खुलवाइए और आपको डिडक्शन जितना अमाउंट आप जमा कराएंगे वो आप अपने नाम स्पाउस और चिल्ड्रन के नाम कराएंगे वो और ये एच अपने फैमिली मेंबर के नाम कराएगा उस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराने पर भी छूट मिलती है हमने बात की थी क्या कि जो पी है जैसे कोई एम्प्लॉय है सैलरीड एम्प्लॉय तो उसका प्रोविडेंट फंड बना हुआ है अब कोई प्रोफेशनल है या सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका प्रोविडेंट फंड नहीं है वो चाहता है मेरा प्रोविडेंट फंड हो तो वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करा सकता है उस पर छूट मिलती है ए में तो जो भी आप पीपीएफ में पैसा जमा कराएंगे उस पर एटी सी में आपको डिडक्शन मिलेगी ये अपने नाम पर स्पाउस या चिल्ड्रन के नाम पर कराया जा सकता है एच अपने फैमिली के नाम करा सकता है कोई लिमिट नहीं है आप जितना मर्जी पैसा जमा कराओ ठीक है डेढ़ लाख की लिमिट है डिडक्शन की आपकी है ना वैसे उसमें लिखा होता है PPF में रुपए से लेके डेढ़ लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं एक साल अब एम्प्लॉय जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराता है उस पर भी डिडक्शन मिलती है हमने पढ़ा था सैलरी के चैप्टर में कि जो एम्प्लॉ पैसा जमा कराता है वो कहाँ कहाँ जमा करा सकता है एम्प्लॉई रिकॉगनाइज प्रोविडेंट फंडोगनाइज स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड नहीं मिलती मिल तो एम्प्लॉई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज में, में या स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड में वहां एटीसी की डिडक्शन मिल जाती है ठीक है अब हमारे पास है इन्वेस्टमेंट इन यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअल फंड्स में लगाती है उन्हें यूनिट लेकिन इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपने इन सब स्कीम में तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा अगेन सेल्फ स्पाउस ए चिल्ड्रन के नाम पर और पांच साल का मिनिमम होल्डिंग पीरियड आपका होना चाहिए पांच साल से पहले सरेंडर तो होती नहीं है मतलब पॉलिसी को सरेंडर कराने जाओगे इनको तो पांच साल से पहले तो पैसा ही वापस नहीं मिलेगा लेकिन इसको रख के लोन वगैरह ले लिया तो भी टैक्सेबल हो जाएगा अलाउड डिसकंटिन्यू कर दिया तो जितनी भी डिडक्शन मिली है वो सब टैक्सेबल हो जाएगी और उस साल की इनकम में आ जाएगा ठीक है कुछ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री डी इन पर आप पैसा लगाइए तो आपको डिडक्शन मिलेगी इस डिडक्शन का फायदा मैं लेता हूँ डेढ़ लाख रुपए पूरा साल का कि म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कराता हूँ क्योंकि इसी बहाने म्यूचुअल फंड में डेढ़ लाख रुपए कम से कम साल के हो जाते हैं अगर ये चार लाख हो तीन लाख हो तो उतने हो जाएंगे कि ये डिडक्शन तो मिल ही जाएगा इनका लॉक इन पीरियड तीन साल का होता है तीन साल से पहले आप इसको रिडीम करा नहीं सकते हैं कराएंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा जो एग्जामेशन आपको पहले मिली नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम तो अगर सब्सक्रिप्शन आपने लिया है नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम में नेशनल हाउसिंग बैंक की तो वहां पर भी आपको डिडेक्शन मिल जाएगी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं और टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है क्यों क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है धीरे धीरे गवर्नमेंट इसे टैक्सेबल करती चली जा रही है इसीलिए टाइम टू टाइम जैसे जैसे चेंजेस आते गए वैसे वैसे इसका सारा पॉइंट हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय इंडिविजुअल इन कनेक्शन विद इंश्योरेंस अपना लाइफ अपनी लाइफ का स्पाउस और चिल्ड्रन का उस पे टी -सी की मिले मेंबर की मिलेगी। फैमिली ले सकता है, बट कुछ समरी ऑफ एक्सिमिशन अवेलेबल अंडर सेक्शन टेन टेन डी एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन वाइज बाई द डेट ऑफ ऑफ सच पॉलिसीज़ अगर पॉलिसी इशू हुई है एक अप्रैल 2003 से पहले तो आपको ए की डिडक्शन मिलेगी जितने भी पॉलिसी है उसका 20% परसेंट तक मतलब अगर आपकी पॉलिसी एक लाख रुपए की है और आपने प्रीमियम एक साल में पच्चीस हजार दिया है तो आपको डिडक्शन बीस हजार ही मिल पाएगी क्योंकि बीस परसेंट तक ही ये में आती है। जब वो पॉलिसी खत्म होगी तो उसका जो पैसा मिलेगा इंक्लूडिंग बोनस एवरीथिंग विल बी अब 2003 से पहले हमेशा से यही था लेकिन फिर क्योंकि अगला चेंजेस फर्स्ट अप्रैल 2012 को आया इसलिए ये बोला फर्स्ट अप्रैल 2003 से थ्री मार्च 2012 तक। तो 2003 से 12 तक इसमें क्या है बात वही लिखी है लेकिन इसके साथ साथ जो चेंजेस आया कि जब पॉलिसी खत्म होगी उसका पैसा मिलेगा तो उसका क्या होगा तो एनी सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस इज एक्सम हाउ एवर एग्जेम्स वुड नॉट बी अवेलेबल

तो आपको जब ये बीस लाख रुपए प्लस बोनस मान लिया आपको पैंतीस लाख मिले तो पूरे के पूरे 35 लाख आपके टैक्सेबल हो जाए तो ये थोड़ा सा खतरनाक पॉइंट इन्होंने जोड़ा एक अप्रैल दो हजार तीन में तो इसलिए इस वजह से ये हमने अलग से पढ़ा है ये इस वजह से वरना अगर हम देखें तो ये जो दोनों ये जो बातें हैं ये दोनों सेम बातें ठीक है ये दोनों सेम बातें जो चेंजेस है वो ये कि ये अब अगर आपने 20 परसेंट से ज्यादा पैसा दिया तो वो एग्जामेशन जो थी वो टैक्स जो एग्जम्शन थी वो नहीं मिलेगी जब पॉलिसी का पैसा मिलेगा अब एक और खतरनाक बात इसमें जोड़ी गई और वो जोड़ी गई एक अप्रैल 2012 को उसके बाद की बात अभी तक चल रही है और इसमें इन्होंने जो प्रीमियम का 20% परसेंट हिस्सा था कि आप समय छोड़ के 20% परसेंट तक प्रीमियम दे सकते हो उसे घटा के 10% परसेंट कर दिया कि आपकी पॉलिसी एक लाख की है तो आप दस हजार से ज्यादा एक साल का प्रीमियम नहीं दे सकते हाउ एवर एग्जेप वुड नॉट बी अवेलेबल अगर हमने किसी भी ईयर में दस से ज्यादा पेमेंट कर तो वहां 20% था फिर 10% हुआ यही चेंज है तो डेट का इंपोर्टेंस है बहुत ध्यान रखना अब इन्होंने कहा कि अगर कोई हैंडीकैप्ड एम्प्लॉई है डिपेंडेंट है हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए ये लिमिट 15% रहेगी 10% की बजाय लेकिन ये इन्हें एक साल बाद याद आई 1 अप्रैल 2013 को तो अगर ये देखो ATC क्या कहता है? Life insurance policy लो आपको ATC की deduction मिल जाएगी। जिस साल premium दो साल दोगे उस एंश्योर की एक्शन मिलेगी प्रीमियम हर साल दे रहे हैं, डिडक्शन हर साल मिल रही है आपको ठीक है अगर और नॉर्मली आपका लिया हर साल का प्रीमियम आठ परसेंट है पॉलिसी समय शोर का तो आपको जब पॉलिसी का पैसा इकट्ठा मिलेगा सारा एग्जाम हो जाएगा अंडर सेक्शन टेन टेन डी अब अगर वो पॉलिसी एक चार दो हजार तीन से पहले इश्यू हुई थी और बीस परसेंट से ज्यादा प्रीमियम था उसमें कोई टेंशन नहीं थी बीस परसेंट तक का प्रीमियम अलाउड होता में, और जब प्रीमियम पॉलिसी का समेोर प्लस बोनस मिलता वो टेन टेन, टेन डी में तब भी एग्जाम हो जाता लेकिन 2003 ऑनवर्ड्स अगर आपका प्रीमियम ज्यादा है तो आपको जो एग्जम्पशन मिलती थी सम एश्योर मिलने पर वो विथड्रॉ हो गई कि अगर आपका अमाउंट प्रीमियम का ज्यादा हो गया तो जब आपको पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा 10 10 डी नहीं मिलेगा और जो प्रीमियम है वो भी कम होता चला गया कि पहले 20% था फिर 10% हो गया लेकिन हेडीकैपड एम्प्लॉई के लिए 1 4 2013 से 15% एनी सम रिसीव ऑन द डेथ ऑफ पर्सन वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम चाहे कुछ भी केस हो मतलब कि अगर कोई मरने पे पैसा मिला है फिर वो चाहे प्रीमियम ज्यादा भी रहा हो टेन टेन डी मिलेगा मतलब ये कह सकते हो कि ये केवल तब है जब जिंदा रहते हुए उसे पैसा मिल रहा है पॉलिसी मेच्योर होने से पहले वो मर गया पैसा मिला तो सब एक्सप्ट ठीक है मरने पे पैसा मिलना सब एक्सप्ट चिल्ड्रन इंक्लूड मेजर माइनर मैरिड अनमेरिड डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट क्योंकि कंडीशन कुछ भी नहीं है अब एक और नई चीज आई जो हमने पढ़ी भी थी एडिशनल कंडीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट लिविंग इंश्योरेंस पॉलिसी इशू ऑन और आफ्टर वन टू ट्वेंटी तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर और चेंजेस आई ये वन फोर ट्वेल्व था तो यहाँ वन टू ट्वेंटी वन से और नई चीज आ गई वो क्या आया इन्होंने कहा कि हम आपको एग्जामेशन दे रहे हैं.

और आप कह रहे हो कि जब पैसा मिलेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा आपको टैक्सेबल जो करना है वो केवल वो अमाउंट करो ना जो बोनस का अमाउंट मिला है उसमें जो हमारा ही पैसा वापस मिला उस पर टैक्स क्यों लगा रहे हो लेकिन तो इन्होंने कहा डी वो नॉट भी अवेलेबल अगर वो नई यूलिप है वन टू ट्वेंटी टू वन के बाद में इशू हुई है और उसका प्रीमियम ढाई लाख रुपए से ज्यादा है ठीक है तो अगर ढाई लाख से ज्यादा का प्रीमियम है तो ऐसी सिचुएशन में 10 -10 D की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी इवन दो वो परसेंट की लिमिट में प्रीमियम आ रहा है तो भी आपको नहीं मिलेगी मोर ओवर इन केस वेयर प्रीमियम इज पेबल बाय पर्सन फॉर मोर देन वन यूलिप तो आपने क्या करना पांच पांच हजार की छह सात यूलिप ले ली तो आपने करना पच्चीस हजार से ज्यादा नहीं होना चाहिए ढाई लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो हमने पचास पचास हजार की छह पॉलिसी ले ली एक पॉलिसी में पचास हजार है बस तो इन्होंने कहा अगर एक से ज्यादा पॉलिसी है तो एक्सम्शन नहीं मिलेगी अगर सारी पॉलिसी को मिलाकर आपका प्रीमियम ढाई लाख से ज्यादा बैठता तो चाहे एक पॉलिसी लो चाहे एक से ज्यादा लो छत्तीस पॉलिसी लो सबका प्रीमियम लाया जाएगा ढाई लाख से ज्यादा कोई छूट नहीं मिलेगी हाउ एवर इन केस एनी रिसीव्ड ऑन द डेथ तो मिल जाएगी

तो भी ऐसी सिचुएशन में आपको कोई डेथ हुई है तो उसको एग्जम्पशन आराम से टैक्सेबल नहीं होगा 10 10 डी की मिल जाएगी एग्जांपल नंबर फोर कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी फॉर असेसमेंट ईयर 2425 दैट इज प्रीवियस ईयर 2324 इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर गणेश एजिंग ही ऑप्शन शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्टैक्स में तो ये सब करने की जरूरत ही ही नहीं, नहीं देखिए, 2011 में उसने अपने लिए policy कराई है। तो हमारी कंडीशन डेट क्या क्या थी था वन फोर टू थाउजेंड थ्री ट्वेंटी परसेंट वाली लिमिट थी फिर वन फोर टू थाउजेंड थ्री से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेल्व तक वो ट्वेंटी परसेंट थी लेकिन वो टेक्सबल हो जाती थी और वन फोर टू थाउजेंड ट्वेल्व ऑनवर्ड्स थी टेन परसेंट तो ये बात की है दो हजार बारह से पहले की है वन फोर टू थाउजेंड वन को इशू है पॉलिसी तो यहाँ पर हमारे पास बीस परसेंट तक, तो तो तक का अमाउंट अवेलेबल था तो पांच लाख का बीस परसेंट तो लाख रुपए तक का प्रीमियम अवेलेबल है तो इन्होंने तो चालीस हजार दिया तो ये तो डिडक्शन पूरी मिल जाएगी अब ये दो हजार चौदह है तो दस परसेंट ही मिल सकती है तो डेढ़ लाख का दस परसेंट पंद्रह हजार तो यहाँ तो पंद्रह हजार की डिडक्शन मिलेगी और वन सिक्स टू थाउजेंड और हमने यहाँ पढ़ा था वन फोर टू थाउजेंड थर्टीन ऑनवर्स पंद्रह परसेंट है यहाँ एटी डिस है तो इसका पंद्रह परसेंट साठ हजार मिल जाएगा तो चालीस पंद्रह और साठ तो एक पंद्रह तक की डिडक्शन मिल पाएगी क्वेश्चन नंबर टू एन इंडिविजुअल असेसी रेजिडेंट इन इंडिया उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है तो ए में डिडक्शन क्या होगी वो शिफ्ट हो रहा है तो पीपीएफ में मिलेगा एलिजिबल म्यूचुअल फंड में मिलेगा पॉलिसी एक लाख की है यहां पर बीस परसेंट का टाइम था ये 2012 से पहले का तो एक लाख का बीस परसेंट बीस हजार तो इस पर हमें कितना मिलेगा ट्वेंटी तो फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी तो वन लाख टेन थाउजेंड तक मिलेगा ठीक है एजुकेशन एक्सपेंसेस अगर अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा करता है तो भी ETC की डिडक्शन मिलेगी तो ये तो डिडक्शन सब लोग मजे ले रहे थे इसके है ना जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं ट्यूशन फी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो क्वालिफाई करता है डिडक्शन अंडर सेक्शन सी के लिए तो ये बेसिकली क्या है ये स्कूल बच्चों के कॉलेज और कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह जो फुल टाइम मतलब वो कोर्सेज uh, नहीं रेगुलर कोर्सेज के लिए वो सब मिल जाती है उसमें क्या होता है फीस जो लेते हैं उसमें बिल्डिंग फंड ट्यूशन फी बहुत सारी चीजें होती है एनुअल फी तो जो ट्यूशन फी ले रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन फीस भी होती है वो सब नहीं ट्यूशन फी की डिडक्शन द फी should have been paid in connection with the children of assessee and further deduction is available for maximum of two children education expenses should be for whole time education and children adopted or step children bhi isme aa jayenge तो ये deduction मिलती है काफी लोग इसका फायदा उठाते हैं जिनके भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सारे deduction यहाँ मिल जाते हैं तो आजकल तो फीस इतनी हो गई है कि बच्चों की फीस से डेढ़ लाख रुपए हो जाते थे तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इन्वेस्टमेंट इसीलिए इसको बढ़ाने की जरूरत थी चार पांच लाख रुपए करने की लेकिन इसको ही हटा दिया रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस आपने घर खरीदा है घर खरीदने पर जब आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है या रेंटेड हाउस रेंटेड हाउस होता है तो उस पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है उसकी डिडक्शन मिलती है आपको सेक्शन ट्वेंटी फोर बी में

Uh, कहा पर मिलता है ट्वेंटी फोर बी में अदर सोर्सेज में या लोन जो लिया एडिशन ऑल्ट्रेशन और रिपेयरिंग के लिए क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि परचेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन तो पर्चेज एंड कंस्ट्रक्शन के लिए ही आपको मिलेगा द न्यू हाउस शुड नॉट बी सोल्ड विद इन द पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स अगर आपने इसको पांच साल तक भेज दिया तो जितनी भी आपको डायरेक्शन मिली है वो सब Uh, जो है uh, यहाँ लिखा है शेल बी डीम टू द इनकम इन द प्रीवियस ईयर इन विद न्यू हाउस हैज बीन सोल्ड पाँच साल खत्म होने से पहले आपने नया घर बेच दिया तो जिस साल बेचा सारी एग्जिबिशन जो डिडक्शन मिली थी सब टैक्सीबल हो जाएगी रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसिज एंड स्टैम्प ड्यूटी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट इज ऑल्सो अलाउड एज ए डिडक्शन तो रजिस्ट्रेशन के चार्जेज स्टैम्प ड्यूटी फीस सब अलाउड है ए में कुछ स्पेसिफाइड एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे इक्विटी शेयर डिबेंचर एलिजिबल इशू है या फिर एलिजिबल इशू जो है म्यूचुअल फंड वगैरह है ये सब मतलब क्वेश्चन में दे, लिखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड है कुछ पेंशन प्लान एन्यूटी प्लान भी हैं, जिस पर एटी सी में डिडक्शन मिलती है तो एन प्लान है एल का जीवन धारा जीवन अक्षय न्यू जीवन धारा एंड न्यू जीवन अक्षय न्यू जीवन धारा वन एंड न्यू जीवन अक्षय वन ये सब आपको क्वालिफाई करता है इन्वेस्टमेंट शुड बी इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल ओनली एच यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ मेंबर ठीक है कुछ पेंशन फंड भी है पेंशन फंड है कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड सेटअप बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट यूनिट स्कीम है ठीक है डिडक्शन मिलेगा अमाउंट इंडिविजुअल अपने ही नाम करेगा एफडी बनवा लीजिए आप पांच साल का इन पीरियड होता है उसकी डिडक्शन मिल जाती तो इन्वेस्टमेंट एफडी में पांच साल के लिए किया जा सकता है बैंक में हो जाता है शेड्यूल बैंक में और उस पर डिडक्शन मिल जाएगी नाबार्ड के बोन्स होते हैं उसमें आप पैसा लगा सकते हैं सीनियर सिटिजन की सेविंग स्कीम है उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगी पोस्ट ऑफिस में आप पैसा जमा करा सकते हैं पांच साल के लिए उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगी सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम डिडक्शन अलाउड होगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट डिडक्शन शेल बी अलाउड अगर इंडिविजुअल ने अपने लिए लिया है गर्ल चाइल्ड के लिए है और लीगल गार्जियन है और किसी चाइल्ड के तो उसके लिए लिया है फॉलोइंग आर द टैक्स बेनिफिट इन्वेस्टमेंट पर डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट होगा विड्रॉल भी एग्जम्प्ट होगा कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम्स इंडिविजुअल बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए कंट्रीब्यूशन टू ए स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80 सीसीडी तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इसकी ये देखिए इसकी डबल सी डी की हम बात बातचीत बाद में भी देखेंगे काफी कुछ है इसके अंदर तो अभी हम बात कर रहे हैं ए सी की और उसमें लिखा है इंडिविजुअल एक एम्प्लॉ है सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक एबलसी डी में एक पेंशन फंड की स्कीम है ठीक है ना तो उसमें अगर वो पैसा जमा कराता है फॉर ए थ्री इयर्स, तीन साल का इन पीरियड है विच इज इन अकॉर्डेंस स्कीम नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ये दो टाइप की स्कीम है इसमें एनपीएस टायर वन एंड टायर टू इंडिविजुअल जमा करा सकता है एटीडबल सी डी सेक्शन में लिखा हुआ इसके बारे में यहां पर जो है बाद में डिटेल में इसे दोबारा हम पढ़ेंगे तो यहां लिखा है डिडक्शन मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी किया जाता है इंडिविजुअल की तरफ से टायर वन अकाउंट में ठीक है तो यहां दो हैं देखो टीयर वन एंड टीयर टू सिटीज के से होता है इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है तो पेंशनशन अंडर सेक्शन एटीसीबल इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एडिशनल अकाउंट टीयर टू अकाउंट ऑफ एनपीएस क्वालिफाई फॉर क्शन एटी डबल सी डी तो यहां पर यह लिखा है कि एटी डबल सी डी में लिखा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल करता है टीयर वन अकाउंट में तो उसे एटी डबल सी डी में मिलती है और अगर उसको टीयर टू अकाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जमा कराता है तो उसे एटीसी में ड्यूटेशन मिलती है एटी डबल सी डी में नहीं दस टायर टू अकाउंट इज द एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच वु क्वालिफाई फॉर डिडक्शन सेक्शन एटीसी इन देंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर टीएर टू में जमा कराएगा तो उसे एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर थ्री मिस्टर एक्स है ये एबीसी लिमिटेड में काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है बीस हजार रुपए पर मंथ उनको डीए मिलता है हेल्पर अलाउंस मिलता है रेंट फ्री हाउस मिलता है आरपीएफ में पैसा जमा कराया हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है बिजनेस की इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हॉर्स रेस की इनकम है उन्होंने कुछ सेविंग करी है वो कहाँ का पैसा लगाया वो सब हमें बता रखा है हमें टोटल इनकम निकालनी है ये एज्यूम करते हुए कि वो शिफ्ट आउट हो गया अदरवाइज तो कुछ भी हम निकालेंगे नहीं तो हमें पहले तो हर एक हेड की इसकी इनकम निकालनी पड़ेगी है ना तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स तो पहले सैलरी हेड की बात कर रहे थे हैं। कि इसको सैलरी में क्या क्या मिल रहा है तो एक है बेसिक सैलरी बीस हजार रुपए पर मंथ है तो दो लाख चालीस हजार रुपए डीए फाइव परसेंट हेल्पर अलाउंस विच इज फुली सेव्ड देखो हेल्पर अलाउंस एक ऑफिशियल पर्पस के लिए अलाउंस मिलती है जितना खर्चा हो जाता है उतना एग्जाम जितना सेविंग हो जाता है उतना टैक्सेबल हो जाता है तो यहाँ पर इन्होंने सारा ही सेव किया है तो सारा ही टैक्सेबल हो जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन है इनका rent free accommodation वर्किंग नोट नंबर वन में अभी निकाल लेते हैं ठीक है इसने और एम्प्लॉयर ने दोनों ने पांच हजार रुपए पर मंथ जमा किया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर तो पांच हजार रुपए पर मंथ किया है? साठ हजार माइनस डिडक्शन मिलती है अप ट्वेल्व परसेंट ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी तो डीए तो स्पेसिफिक विच इज कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट पर्पस मतलब स्पेशल डीए है तो टू लैख फिफ्टी टू थाउजेंड का ट्वेल्व परसेंट थाउजेंड टू थोटी थर्टी थाउजेंड टू फोर्टी टैक्सेबल मिल जाएगा, जाएगा। yes, इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है नहीं तो वो भी हम एग्जाम कर देते कितना साढ़े नौ परसेंट अब और क्या मिल रहा है इन्हें हाउस प्रॉपर्टी तो अब हम एच आर ए की रेंट फ्री हाउस की बात कर लेते हैं तो वर्किंग नोट नंबर में फ्री हाउस की बात कर लेते हैं ये डेली में रहता है तो पॉपुलेशन ज्यादा तो फिफ्टीन परसेंट ऑफ सैलरी लेंगे और सैलरी के मीनिंग में ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस आ जाता है क्यूजिट नहीं आता और सारी चीजें आ जाती हैं तो ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा तो कितना आ गया टू लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है सबको ऐड करते हैं। कितना आ गया क्रॉस सैलरी थ्री लैख थर्टी थ्री थाउजेंड पचास हजार रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी कितना आ जाएगा ये सैलरी की इनकम हो गई हाउस प्रॉपर्टी दो लाख चालीस हजार क्योंकि यहां लिखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो हम मानते हैं डिडक्शन मिल चुकी है पीजीबीपी पी, वन लेख लॉन्ग टर्म गेन अंडर सेशन वन वन टू पचास हजार ठीक है और अदर सोर्सेस में विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसिंग एटी थाउजेंड टोटल फिफ्टी थ्री थाउजेंडी सेवन लैख फिफ्टी थ्री या सिक्सटी थ्री जल्दी बताओ टू लेख फिफ्टी थ्री थाउजेंड थ्री सिक्सटी लेस करते हैं डिडक्शन इसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम इसमें डिडक्शन ला, अंडर सेक्शन एटीसी टू एटीयू तो सेक्शन एटी सी इन्होंने पीपीएफ में पैसा जमा किया ग्यारह हजार तो डिडक्शन मिल जाएगी एनएससी में इन्वेस्टमेंट करा है नौ हजार डिडक्शन मिल जाएगी किसान विकास पत्र होता है केवीपी वो तो है नहीं हमने नहीं पढ़ा एस में तो इसमें तो डिडक्शन नहीं मिलेगी हाउसिंग लोन की रिपेमेंट है पच्चीस हजार जिसमें से पांच हजार रुपए का ब्याज है तो हाउसिंग लोन में प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी ट्वेंटी थाउजेंड उसकी डिडक्शन मिल जाएगी इन्होंने एल प्रीमियम दिया अपना अठारह हजार रुपए पॉलिसी है एक लाख की सारी की सारी पॉलिसी एक चार दो हजार बारह से पहले की है तो सब में बीस परसेंट अलाउड था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्फ जो इनकी अपनी पॉलिसी है उस पर अठारह हजार रुपए की छूट मिल जाएगी और वाइफ की पॉलिसी इक्कीस हजार रुपए दिए लाख पे तो बीस हजार ही मिल पाएगा बीस हजार मैक्सिमम है है ना तो इक्कीस नहीं मिलेगा क्योंकि इक्कीस परसेंट हो रहा है वो पचास हजार की पॉलिसी पे तो पांच हजार ही मिलेंगे माइनर सन की पॉलिसी पे या कितने की पॉलिसी है अच्छा बीस परसेंट मिलेंगे तो पांच हजार का बीस परसेंट दस हजार माइनर सन मैक्सिमम दस हजार है ना ये हमारी पॉलिसी है वाइफ वाली एक लाख की उसका बीस परसेंट मैक्सिमम ये है पचास हजार की इसपे बीस परसेंट है ना और ट्वेंटी वन थाउजेंड विच लेस तो और इलेवन थाउजेंड विच एवर तो दस हजार ग्यारह हजार जो भी कम है तो दस हजार बीस हजार इक्कीस हजार जो भी कम है बीस हजार ठीक है और इसने किसकी पॉलिसी ली है फादर इन लॉ वो तो नहीं है अलाउड फादर इन लॉ तो अलाउड नहीं है तो उस पर तो कोई डिडक्शन इन्हें मिलेगी नहीं तो ये डिडक्शन होगी अब हम बात करते हैं और क्या है तीन बच्चे हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। दो बच्चों की फीस मिलेगी दो महंगे बच्चे चुन लो जो महंगे बच्चे एजुकेशन एक्सपेंसेस माइनर सन का छह हजार है मेजर सन का दस हजार है जिसमें पार्ट टाइम पार्ट टाइम स्टडी तो नहीं मिलेगी भैया तो पार्ट टाइम दस में से पांच तो पांच इसके छह हजार उसके और डॉटर के ग्यारह तो जो महंगे बच्चे हैं तो वो चुन लो तो जो महंगा बालक है एक तो मेजर डॉटर है ग्यारह हजार और एक माइनर सन है ठीक है बस अब टोटल करो एक लाख पांच हजार इन सब का टोटल आया एक लाख पांच हजार ग्यारह हजार नौ हजार बीस हजार अठारह हजार बीस हजार दस हजार ग्यारह हजार और छह हजार एक लाख पांच हजार रुपए का डिडक्शन हम इनको दे सकते हैं लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमारी इनकम भी एलिजिबल हो कहीं एट वो थी हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह उन पर तो मिलता नहीं है तो वो भी चेक करना पड़ेगा कितना है इसमें एक और चीज है जो अभी रह गई है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड साठ हजार है ना एम्प्लॉ का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है आरपीएफ में वो साठ हजार तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 165। तो maximum एक पचास मिल सकता है लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि हमारी हमारी भी तो 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 ऐसी हो। सैलरी तो तो बहुत है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता ज्यादा और सैलरी होती कम और एक पचास ही नहीं होती अदर डिडक्शन तो हम एक पचास भी नहीं दे पाते लेकिन अब हम यहाँ लिख लेते हैं एक पैंसठ और एक पचास जो भी कम हो तो एक पचास की डिडक्शन मिल जाएगी हमें और जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी या टोटल इनकम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगीउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स लाख थ्री थाउजेंड थ्री सिक्सटी थ्री सिक्स लाख थ्री थाउजेंड थ्री सिक्सटी ठीक है तो ये हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी क्वेश्चन नंबर फोर मिस्टर एक्स हैं वो ए लिमिटेड में काम कर रहे हैं दस हजार रुपए पर मंथ की सैलरी है केबीसी में जीत गए छह लाख चालीस हजार रुपए पच्चीस हजार पीपीएफ में जमा किया अठारह हजार एनएससी में किसानों अवकाश पत्र में बच्चों की पढ़ाई में हाउसिंग लोन की रिपेमेंट में नाबार्ड के बोन खरीदे हैं टोटल इनकम निकालनी है कि वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो सैलरी में देखें पहले उनकी इनकम कितनी आ रही है तो सैलरी में तो बेसिक सैलरी है उनकी टेन थाउजेंड इंटू ट्वेल्वी बस माइनस डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी इन्हें पचास हजार तो की तो सैलरी की इनकम होगी गई सत्तर हजार है ना और अदर सोर्सेज तो में लॉटरी लगी है इनकी केवीसी में लॉटरी क्या मेहनत का कमाया छह लाख चालीस हजार टोटल इनकम सात सात लाख दस हजार सेक्शन एटी यू तो इनको डिडक्शन में मिल रही है इन्होंने पीपीएफ में पैसा जमा कराया है पच्चीस हजार एन में जमा कराया अठारह हजार किसान विकास पत्रों मिलेगा नहीं बच्चों की एजुकेशन के लिए तीस हजार हाउसिंग लोन की रिपेमेंट है चालीस हजार पैतालीस हजार में से पांच हजार का इंटरेस्ट है है ना और नाबार्ड के बोन खरीदे पचास इन्हें जोश क्या चढ़ा है खरीदते चले जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं अभी है। कितना इन्वेस्ट थ्री और वन फिफ्टी थ्री वन फिफ्टी विच इज लेस कितना आया वन फिफ्टी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ सेवेंटी थाउजेंड क्योंकि इसी पे मिलेगी इस पे वाली पे वाली तो डिडक्शन ही नहीं मिलेगी तो इन्हें केवल की छूट मिलेगी पागलों पाग इन्वेस्ट करते चले जा रहे लेकिन सही है लॉटरी लगी है तो इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए सारे पैसे उड़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी तो कितना हुआ इनका टैक्सेबल इनकम छह लाख इस पर फ्लैट तीस परसेंट का टैक्स लगेगा इनका क्योंकि कैजुअल इनकम पर तीस परसेंट ही टैक्स लगता है क्वेश्चन नंबर फाइव मिस्टर एक्स हैं डिडक्शन हमें बतानी है टीसी में इन्हें कितनी मिलेगी अगर ये शिफ्ट हो रहे हैं एल इंश्योरेंस प्रीमियम है पॉलिसी दो में ली है 2019 की पॉलिसी 2012 के बाद होती है 10 मैक्सिमम पॉलिसी दो लाख तो दो लाख का दस परसेंट बीस टू टूरिकॉर्गनाइज प्रोविडेंट फंड अंडा मिलेगा पच्चीस हजार एनएससी हमारी डिडक्शन मिल जाती है हमने एट्थ इशू नाइन्थ इशू भी मिल जाता है वहां पर आप ठीक कर लेना एनएससी हो तो आप देना डिडक्शन कोई दिक्कत नहीं है कोई भी हो है ना 10000 एक्रूड इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिलती है है ना और LIC प्रीमियम माता जी का दिया है तो माता जी को तो इन्होंने बाहर कर रखा है बीवी बच्चे इंक्लूड कर रखे हैं है ना और रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 21000 टोटल करो कितना हो गया पचास सत्तर अस्सी एटी फोर तो एटीसी में एटी फोर थाउजेंड की डिडक्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें टोटल इनकम मिस्टर एक्स की निकालनी है पीजीपीपी 5 पांच लाख गेन विनिंग इंटरेस्ट लिस्टेड सिक्योरिटी पे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ हो जाएगा इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो देखिए मैं इंटरेस्ट ये जो एक लाख साठ हजार है इसको सेट ऑफ कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल करिए एक बारी इन सब का टोटल करिए और ये माइनस कर दीजिए तो मेरे पास ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी है ना कितनी पांच लाख तो ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी पांच लाख लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी टू एटीयू इसमें भी सेक्शन एटी सी क्योंकि अभी तक हमने वही पढ़ा तो यहां पर पीपीएफ एलिजिबल है बीस हजार रुपए पीपीएफ में एल आई एक्स की वाइफ लाइफ पर लिया है चार लाख का दस परसेंट तक अलाउड है सैतीस पांच सौ ठीक है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम सैतीस हजार पांच सौ नाबार्ड के बॉन्ड बिल्कुल अलाउड है थर्टी थाउजेंड यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल अलाउड है दस कितना मिल सकती है, हाँ, इतनी है, इनके पास से. तो ये इनकी टैक्सीबल इनकम आ जाएगी फोर लैख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अब है एटी ट्रिपल सी और ये बात बड़ी लंबी जाएगी हमारी तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ठीक है अभी हाँ।